मैं हूँ दिल्ली में और अब मैं दिल्ली आ ही चुका हूँ, तो क्यों ना एक सुपर कार ले के चलते। अब कौन सा वाला लूंगा वो मैं आपको बताने के साथ साथ दिखा भी दूंगा, पर अभी के लिए मैं रुका हूँ इस वाली होटल पे जो कुछ इस टाइप का है। लेकिन अब इतना पैसा देके सुपर कार लेने वाला हूँ तो कांची को पूछना भी तो बनता है, इसलिए मैंने अपनी कांची को वीडियो कॉल लगाया और पूछा कि कांची क्या मैं एक सुपर कार लेके आऊँ। तब इसने कहा कि पहले दुकान का कपड़ा लेके आओ, उसके बाद डिसाइड करेंगे। फिर मैं आया एक होलसेलर के पास जिन्होंने कुछ इस टाइप से सैंपल वगैरह रखा हुआ, लेकिन ये माल इतना अच्छा और महंगा था कि मैंने सोचा चलो जो भी हो, जब मैंने 4-5 लाख रुपए का ऑलरेडी माल उठाई है तो क्यों ना और 2-3 लाख रुपए का माल ले ही लेता हूँ। और जैसे जैसे मैंने माल उठाना शुरू किया तभी भैया इतना सारा माल हो गया और बिल तो पूछो ही मत, मेरा गूगल पे फोन पे पेटीएम सभी का लिमिट खत्म हो गया। इतना लेके मैंने एक ऑटो पकड़ा और रूम की तरफ निकल पड़ा। अब ये मत सोचियो कि सोनू भाई ऑटो में सुपर कार लेने जा रहे हैं क्या, नहीं भाई कोई कैब नहीं मिल रहा था तो मैंने ऑटो ही पकड़ लिया और फाइनली मैं अपने रूम पे पहुंच गया। तो आप चलो सुपर कार देखते हैं। तो मुझे बहुत पहले से मिनी कूपर एस कन्वर्टिबल लेने का मन था क्योंकि मेरी मम्मी को थार में घुटन होती है, तो मैं बहुत जल्दी मिनी कूपर ले रहा हूँ। बस भगवान की दुआ से मेरा बिजनेस अच्छा चल